कमिटी विशेष बुलेटिन। बडनेरा जूनी बस्ती नई बस्ती शहर के लोगों ने यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया है। आज हमारी शासन से मांग है कि आज़ादी के 70 साल के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के सम्मानीय नागरिक है या नहीं है। आज हमारे लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बिल पे साइन कर दिया और ये बिल एक्ट बन गया है, ये हमारे लिए बड़ी दुखद और बड़े खेद की बात है। जिस तरीके से आर्टिकल 14 और 15 हिंदुस्तान और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता देने की बात करता है, बगैर जात पात धर्म और रंग देखे हुए, ये आर्टिकल कहता है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और देश में रहने का सबको अधिकार है। मैं केंद्र शासन से यह अपील करता हूँ कि वे इस कानून को रद्द करे और भारत में जो लोकतांत्रिक देश है उसे लोकतंत्र ही रहने दे। इस देश में अपने फैसलों को हुकूमत थोपना चाहती है। हम ये बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि आज दुनिया में भारत एक पहला लोकतांत्रिक देश बना है जहाँ पर जात के नाम पर धर्म के नाम पर नागरिकता दी जा रही है। ये हमारा प्रोटेस्ट एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट के पीछे हमारा मकसद ये है कि केंद्र शासन तक हमारी इस बात की आवाज़ पहुँचे कि भारत का पूरा अखिलियत पूरा माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी पूरी तरीके से इस कायदे के खिलाफ है और हम इसे रद्द करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होता हम हमारे आंदोलन इसी लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे और हमें पूरे हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सभी समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम भारत में इस तरह के कानून को और भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को इस तरीके से तार तार होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए हम आज रेल रोको आंदोलन करने यहाँ पहुँचे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।